हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो भी जो है वो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इट्स ऑल अबाउट VFS ग्लोबल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को आपने कमेंट्स में भी भेजे हैं और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं मेरे पास VFS के रिलेटेड। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जिनके पासपोर्ट अभी VFS के पास हैं, उनको अपनी एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज चाहिए, उनको कोई मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं, बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं, कईयों के पासपोर्ट भी वापस आ चुके हैं, तो ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज ट्रैवल एंड वीज़ाज एंड इमिग्रेशन के रिलेटेड जो है मैं वीडियोज़ अक्सर डालता रहता हूँ रेगुलरली। ड्यू टू COVID-19 बहुत सारी चेंजेस आई हैं इमिग्रेशन में, वीज़ा सर्विसेज में, सो जिनकी बात मैंने बहुत सारी पिछली वीडियोज़ में भी की है, तो अभी भी उनके अपडेट्स चल रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि VFS एक्चुअल में ओपन कब होगा। बहुत सारे आप में से लोगों के क्वेश्चन थे कि VFS एक्चुअल में ओपन कब होगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कस्टमर एडवाइजरीज, सो जो VFS है वो बंद है बहुत सारी कंट्री में। पहले बात कर लेते हैं UAE की, जहाँ की वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स री ओपन इन UAE, फिलीपींस वीज़ा सर्विसेज इन दुबई आर हेयर रिज्यूम्ड फ्रॉम April 30, 2020। ये देखिए फिलीपींस ई पासपोर्ट रिन्यूअल सेंटर इन वॉफी मॉल दुबई हैज़ रिज्यूम्ड ऑपरेशन फंक्शनिंग फ्रॉम 9 AM टू 6 PM। द तुर्की वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन दुबई हैज़ रिज्यूम्ड ऑपरेशन एज वेल। सो दुबई में यू नो हो रहा है डे बाय डे, जो भी इनका प्रोसेस है वो कर रहे हैं स्टार्ट। बात करते हैं कि इंडिया में क्या सीन होने वाला है। ओके, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स क्लोज्ड इन इंडिया, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हैं जो वो क्लोज्ड हैं इंडिया में। वीज़ा सेंटर्स ऑपरेशंस अक्रॉस इंडिया विल रिमेन सस्पेंडेड अंटिल 31st of May 2020 एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। मतलब कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने इनको ऑर्डर दिया है 31st of May तक कोई भी ऑपरेशन इनको नहीं करना है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन थी 19th of May 2020 को अपडेट की गई थी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, तो आप देख सकते हो। सो 31st of May तक कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो इंडिया में है वो नहीं ओपन होगा। तो ये तो था इसके ओपन होने के बारे में, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि VFS एक्चुअल में कब ओपन होगा, तो इट्स ऑल अबाउट द ओपनिंग। आई थिंक June 1st से ओपन हो जाएगा, लेकिन वो भी अभी कन्फर्म नहीं है गाइज। अगर मैं बोलूँ कि हाँ जी कन्फर्म है 1 June से ओपन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है इसके बारे में, उन्होंने सिर्फ सस्पेंड का लिखा है, ओपन का ये नहीं लिखा कि 1 June को ओपन हो जाएगा। बहुत सारी YouTube पे मैंने वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 June को ओपन हो जाएगा, 1 June से सब वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ओपन हो जाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। पहले सिचुएशन को जज करेंगे वो लोग, अगर सिचुएशन वहाँ की उस सिटी की उस स्टेट की अच्छी है तभी VFS ओपन होंगे, बिकॉज VFS सेंटर में बहुत ज़्यादा क्राउड होती है और वहाँ पे कोरोना का स्प्रेड होने का बहुत बहुत ज़्यादा चांस है गाइज। सो मेक श्योर आप पहले चेक करें सिचुएशन कैसी, उसके हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट अगर बुक करनी है तो करें, बिकॉज ये बहुत ही रिस्की है, क्राउडेड होता है वो पूरा एरिया। आप सबको पता है कि कितने लोग आते हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। सो अभी तक इसके बारे में ओपनिंग का कोई भी डेट फिक्स नहीं है, लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि 1 June से VFS सेंटर ओपन हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं होगा, हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है उस स्टेट की उस सिटी की जहाँ पर वो लोग ओपन कर रहे हैं। दूसरी बात थी, दूसरे आपके क्वेश्चन थे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस ऑन वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्या हमें क्या करना चाहिए। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में थोड़े क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आपके ऐड भी किए थे, सो फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। जैसे कि ये है, हाउ डू आई चेक इफ द कंट्री आई विश टू ट्रेवल इज एक्सेप्टिंग वीज़ा एप्लीकेशन और नॉट। ये मैंने लास्ट में डाला था कि आप उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, और
उनके कस्टमर केयर को कॉल करके देख सकते हो, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। सो लॉकडाउन चल रहा है अभी, इन रिलेटेड टू सेफ्टी मेजर्स मैनी कंट्रीज हैव इशू डिटेल्ड ट्रैवल एडवाइजरी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस विद सम कंट्रीज हैव क्लोज्ड वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स कम्प्लीटली अदर रिमेन्स फंक्शनल एंड वी आर एक्सेप्टिंग वीजा एप्लीकेशन इन सर्टेन कैटेगरीज सो इट डिपेंड्स एक्चुअली। सो ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था क्वेश्चन, उसके बाद है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इफ द लॉकडाउन हैज बीन लिफ्टेड इन सर्टेन सिटी कंट्री डज इट मीन द BFSO ग्लोबल एप्लीकेशन सेंटर इज ओपन फॉर वीजा अपॉइंटमेंट। ये भी मैंने कवर किया था कि हाँ जी बिल्कुल, जब ओपन होगा तो वो लोग अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स इसके बारे में भी आप इनकी www.bfsglobal.com पे जाके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है गाइस, किसी पे बिलीव मत करिए। ये ऊपर लिंक दिया गया है, आप देख सकते हो bfsglobal.com, इस पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये पूरा उनकी वेबसाइट है, इस पे आप जाके पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मैं भी आपको उनके जेन्युइन सोर्स से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई अपने पास से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं, किसी की बात सुनी और उसमें खुद से कुछ ऐड करके आपको बता दिया। मैं जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हूँ, मैं सिर्फ आपको वही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं अपने पास से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता, ना ही किसी से पूछ के देता हूँ। जो उसकी वेबसाइट बोलती है मैं सिर्फ वही आपको बताता हूँ, वही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा, आई हैव अ वैलिड वीज़ा दैट विल एक्सपायर सून एंड द कंट्री आई एम गोइंग टू और आई एम इन हैज़ इशूड अ ट्रैवल एडवाइजरी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस ट्रैवल बैन, कैन आई अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है ऑलरेडी, तो इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है, एडवाइजरीज फॉर वेरियस कंट्रीज डिफर विद रिगार्ड्स टू हु कैन एंटर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे होल्ड अ वैलिड वीज़ा और नॉट, सम कंट्रीज हैव इम्पोज्ड बॉर्डर कंट्रोल्स मेजर्स दैट ओनली अलाउ सिटीजन्स रेजिडेंट और स्पेसिफिक permit holders to enter the country and disallow other non-essential travelers and even if they hold a valid visa. Citizens who are yet to travel and those existing visa is expiring soon or has expired can reapply for a fresh visa with operations resume when operations resume. Those who had already traveled before lockdown to the foreign country and whose visas are due to expire soon urged to reach out to the concerned embassy consular for an extension. Okay, hence as the situation remains fluid, do check official travel visitors advisories or information about travel restrictions on the website on the respective country and consulate if you have a valid visa. So ye hai aapka answer jinhone pucha tha ki mera visa expire hone wala hai main kya karu, this is the answer. Citizens who are yet to travel, whose existing visa is expiring soon or expired, can reapply for a fresh visa when operations resume. मतलब जब आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, आप उसकी वरी मत करो। मैंने भी आपको वही बोला था कि आप सिर्फ एम्बेसी के में कॉन्टेक्ट करो, उनको बताओ कि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और वो आपको जब अब उनका ऑपरेशन रिज्यूम होगा तो आपको एक नया वीज़ा वो ग्रांट करके देंगे, जिससे आप क्या ऑब्वियसली ट्रैवल कर सकते हो, आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी, बट उसको आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, ये एक कंडीशन है। सो ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, एंड उसके बाद था ये वाला क्वेश्चन, आई सबमिटेड माई पासपोर्ट विद वीज़ा एप्लीकेशन बिफोर सर्विस सस्पेंडेड, हाउ डू आई गेट माई पासपोर्ट बैक। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज, ये पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो इनकी साइट खोल के। जब भी ऑपरेशन रिज्यूम होगा आपका पासपोर्ट बिल्कुल सेफ है, अगर BFS के पास है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना स्टेटस पूछ सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर इनकी साइट पर अवेलेबल है, उनकी ईमेल अवेलेबल है, आप ईमेल कर सकते हो, आप उनको कॉल कर सकते हो, आप पूछ सकते हो मेरा पासपोर्ट मुझे कब मिलेगा। अगर आपका पासपोर्ट इन ट्रांजिट है, मतलब BFS ने आपका पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया है, तो आप ब्लू डार्ट को कॉल करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ब्लू डार्ट एक करियर कंपनी है, वो कुरियर करती है, कुरियर का काम है उनका BFS से पासपोर्ट लेके आप तक पहुंचाते हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं कि मेरा पासपोर्ट मुझे कब मिलेगा। ओके, हाउ कैन आई रीशेड्यूल कैंसल एन अपॉइंटमेंट इफ आई हैव ऑलरेडी बुक्ड। इफ यू विश टू कैंसल और रीशेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, प्लीज विजिट द कंट्री स्पेसिफिक पेज www.vfsglobal.com by entering the name of the country you are applying from
and to the country you wish to travel to, and follow cancellation rescheduling process as stated on the website of the particular country. Simple process. आप सबको समझ आ ही गया होगा इसमें क्या करना है. आपको सिर्फ आपको उस जगह का नाम डालना है, यहाँ पे आपको यू नो रीस्केड्यूल करनी है या कब की करनी है, कहाँ की करनी है, वो आप इस पे जाके फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. उसके बाद है आई बुक द वीज़ा अपॉइंटमेंट बट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर नाउ क्लोज, व्हाट कैन आई डू. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी मैं क्या करूँ, मैंने तो बुक कर रखी है अपनी अपॉइंटमेंट. यू विल बी एबल टू स्केड्यूल अ न्यू अपॉइंटमेंट और रीस्केड्यूल एन एग्जिस्टिंग वन एज पर द प्रोसेस स्टिपुलेटेड ऑन द कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट पेज ऑन www.bfsglobal.com वंस बीएफएस ग्लोबल इज डायरेक्टेड टू रीओपन द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर. सिंपल इज दैट कि आप उसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं, जो अगर आपके पास है मुश्किल नहीं है, अगर उसकी डेट चली गई है नो प्रॉब्लम, आपको कोई भी मुश्किल नहीं है इस चीज़ की. आप क्या कर सकते हैं, आप एक नई जो है अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो. बहुत ही सिंपल है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो. तो देर इज़ ऑप्शन. डू आई गेट अ रिफंड इफ माई वीज़ा इज ऑलरेडी इशूड बट आई कॉन्ट ट्रेवल टू एनी अदर कंट्री. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. कस्टमर्स आर एडवाइज टू राइट कस्टमर केयर एट vfsglobal.com. दिस इज द वेबसाइट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो. To refund request, in general for issued visas, fee cannot be refunded. Visas are sometimes valid or several months and can be used for travel at a later stage. So, ये refund नहीं मिलेगा आपको, but फिर भी आप refund के request है जो वो customercare@vfsglobal.com पे जाके अपनी ले सकते हो. Okay, उसके बाद है I booked an appointment and made the payment. Now, the visa application center is closed. Can use the same appointment later or get the refund? Once the visa application center reopens, customer can check if the original appointment can be rescheduled by reaching out to the email ID or helpline mentioned on the country specific website. आप इनसे बात कर सकते हैं, इनको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि वो वैलिड है कि नहीं है. By entering the name of the country you are applying from and the country you wish to travel to. For refund request, you have to email them. Simple is that. आप उनसे चेक कर सकते हो जाके कि आपकी अपॉइंटमेंट लेटर यू नो डेट के लिए ले सकते हैं और आपको रिफंड मिल सकता है. ये आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो. कोई इसमें यू नो बहुत बड़ा काम नहीं है. उसके बाद है क्लोज्ड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर एक्सपेक्टेड. ओके ओके दिस वन. व्हेन आर द टेम्पररी क्लोज्ड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर एक्सपेक्टेड टू रीओपन. बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी. BFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स विल रीओपन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव्स ऑफ रिस्पेक्टिव क्लाइंट गवर्नमेंट एम्बेसी कॉन्सुलेट. द कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट विल बी अपडेटेड एज सून एज दिस हैपन्स. प्लीज डू कीप चेकिंग दिस पेज फॉर इन्फॉर्मेशन. जी हाँ, तो इन्होंने साफ, इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि जून में हम ओपन कर रहे हैं. गाइज ये एक बात मेरी आप अपने माइंड में बिठा लें. बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि जी जून में ओपन हो गया है, इस कंट्री का हो गया है. जो ओपन है वो ऑलरेडी ओपन है, उनकी वेबसाइट से पता चलता है. फॉर एग्जांपल माल्टा के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, माल्टा का यू नो वीएफएस सेंटर ओपन है इंडिया में, तो वो कर सकते हैं. लेकिन बाकी दूसरी कंट्रियों का अभी तक उन्होंने कोई डेट नहीं दी है, तो इसलिए कोई डेट अपने माइंड में मत फिट करें. जून में चांसेस हैं, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव रेड इट इन द न्यूज़ एज वेल, इन द मीडिया एज वेल, आई एम कीप चेकिंग द वेबसाइट एज वेल फॉर यू गाइस. बट कोई श्योरिटी नहीं है कि जून में ओपन होगा. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि उस स्टेट की, उस सिटी की ये सिचुएशन चेक करेंगे. अगर वहाँ पे अंडर कंट्रोल है कोरोना, तो डेफिनेटली दे विल रीओपन देयर सेंटर्स. सो ये थे आपके क्वेश्चंस. ये आप खुद भी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें. मैंने लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए थे आपके, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ऑन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर. तो ये आप BFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो. आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन सा आप आंसर चाहते हो, आप खुद देख सकते हो. फिर भी अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी बात समझ नहीं आ रही, फील फ्री टू गेट इन टच विद मी. मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा उसके लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल. और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ फिर से आपको मिलूंगा. टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.